नमस्ते और आप सभी स्वागत में एक और नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज है मेरा बैक और बाइसेप्स। और आज से कुछ साल पहले तक, आई थिंक 3 साढ़े 3 साल पहले तक, एक ऐसा समय था जब मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करता था। हर बॉडी पार्ट को एक बार ट्रेन करता था वीक में, सिर्फ आर्म्स को छोड़ के, आर्म्स को 2 बार ट्रेन करता था। बट जो मैं एक एक बार सारे बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करता था, तो सब में मैं ईगो लिफ्टिंग करता था। और आज भी मुझे याद है कि डेडलिफ्ट जब मैं करता था तो 1 रेप मैक्स अपने हर सेशन में करता था। और 1 रेप मैक्स करने के बाद अगले दिन मुझे रेस्ट लेना ही पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लोअर बैक इतनी सोर रहती थी कि अगला दिन का एक्सरसाइज हो ही नहीं पाता था। सो इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद मैंने ये चीज़ सीखा है कि आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका गोल क्या है उसके हिसाब से आपको अपनी एक्सरसाइजेस चूज़ करने हैं। और मोस्टली ज़्यादातर लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हाइपरट्रॉफी उनका गोल है, तो एक्सरसाइज सिलेक्शन पे जाना। अगर आपको कोई एक्सरसाइज पसंद नहीं भी है लेकिन आपको पता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है, हाइपरट्रॉफी प्रोवाइड करेगी, मसल ग्रोथ प्रोवाइड करेगी, तो आप उसे कीजिए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सरसाइज आपको पसंद आने लगेगा, क्योंकि जब हमें दिखा है कि उस एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज से हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम एक्सरसाइज को और अच्छे से करेंगे, और अच्छे पैशनेटली करेंगे, मसल माइंड कनेक्शन के साथ करेंगे। सो मैं करेंटली अभी अपने बैक और बाइसेप्स में सबसे पहले पुलअप्स लगा दूँ। और मैं पहले बता दूँ, पुलअप्स आपकी कोई वार्म अप एक्सरसाइज नहीं है, वो प्रॉपर एक मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज है, तो उसे वार्म अप एक्सरसाइज के तौर पर मत लीजिएगा। मैं 4 सेट लगा दूँ पुलअप का, और मेरा गोल रहता है कि मैं 80 से 100 पुलअप्स करूँ, और उसके बाद बेंट ओवर रोइंग, और देन लैग पुल डाउन, और एक सिंगल आर्म सीटेड रोइंग, और या फिर कभी कभी डबल भी कर दो, डिपेंड करता है अगर मशीन बिजी है तो फिर मैं डबल कर लूँगा। सो या और मैंने सिंगल आर्म वाला रिसेंटली स्टार्ट किया, और पिछले बार जो सेशन था उसी में स्टार्ट किया था, मैंने पहली बार किया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ अपने बैक में, स्पेशली लोअर बैक में। तो अभी मैं उसे कंटिन्यू रखूँगा और ट्रैक करूँगा कैसा प्रोग्रेस है उसकी वजह से। हालांकि अभी तो मैं मिनी कट पर हूँ, जैसे आप लोग मैंने बताया आज मिनी कट का 8वां दिन है। पिछले संडे को मैंने स्टार्ट किया था, और आज ये संडे, इस संडे को मिला के 8 दिन हो जाएंगे टोटल। सो मोस्टली मैं अगले संडे तक कट करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4.5 महीने तक कट किया, जो कि अपने आप में एक बहुत लंबा समय है। उसके बाद मैंने आई थिंक 2 वीक तक मेन गेनिंग पे खाया, मेंटेनेंस कैलोरीज पे, उसके बाद फिर अभी 8 दिन तक मैंने कट पे हूँ। तो मेंटली भी बहुत टायरिंग हो जाता है, क्योंकि कट में आप लोगों को पता है कि डेफिसिट में रहता है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, ऊपर से कार्डियो करना है, तो वही चीज़ है। मेंटली आपको अगर वो चीज़ बहुत परेशान कर रही है तो मत करो, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ट्राइपॉड में रखना पड़ता है, एंगल सेट करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हमेशा कोई रहे शूट करने के लिए, तो खुद पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता मुझे तो। और सुबह इस टाइम पे 10 बजे जिम पूरा खाली रहता है, तो शूट करने में आसानी होती काफ़ी, तो इसलिए भी मैं जाता हूँ 10 बजे, वरना मैं सुबह 6 बजे भी जा सकता था, मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और जिम जाने से पहले सबसे पहले सोया चंक में रख दूँ 25 ग्राम, ताकि आऊँगा तो बन के रेडी रहेगा, फिर ये मेरा पोस्ट वर्कआउट मिल जाता है। तो मेरा ये फूड, मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने फूड को मेजर करो। 25 ग्राम हो गया। ऑलमोस्ट 19 रेप्स, लास्ट के 2 रेप उतने अच्छे नहीं गए, ऑब्वियसली क्योंकि कैलोरीज कम है, बट ठीक है। पहले सेट में मैंने 20 किया, इसमें भी ऑलमोस्ट 20, 2 सेट और सेम इंटेंसिटी के साथ।
सो ऑलमोस्ट मैंने 80 पुलअप्स के 4 सेट, तो जो मेरा गोल रहता है 80 to 100 पुलअप्स वो हिट किया मैंने, तो कंसिडरिंग कि मैं डेफिसिट में अपने आप में किया है, और मैं अजीम कर रहा हूँ कि जब मैं वापस नॉर्मल डाइट पे आऊँगा मेंटेनेंस कर इस पर तो 110-115 के आसपास पुलअप्स कर दूँगा 4 सेट में। तो फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे बेंट ओवर रोइंग के लिए। सो बेंट ओवर रोइंग का लास्ट सेट है, तीसरा सेट है मेरा, और पिछले बार मैंने जब किया था इसे जब मैं मेन गेनिंग पे था तो आई थिंक मुझे इससे अराउंड 8 या 9 रिपीटेशन आए थे, तो मैं कोशिश करूँगा इस बार मुझे 6 या 7 आए। और अपने वर्कआउट को टाइप कीजिए, रिपीटेशन और वेट को टाइप कीजिए, उसे नोट कीजिए, और अगले बॉक्स से जो रिपीटेशन ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं अभी मीनिंग कट में हूँ तो अभी तो मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे मैं करता हूँ। तो अभी मेरी कट में बस यही कोशिश है कि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा ना गिरे मेरे, तो और वैसे मैं बहुत ज़्यादा बड़े डेफिसिट में नहीं हूँ, 300-350 कैलोरी के डेफिसिट में हूँ और कार्डियो कर रहा हूँ, तो उतना बड़ा कोई अभी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसे करते हैं, सो लैग पुल डाउन का तीसरा और आखिरी सेट, और टोटल अभी 100 केजीज लगे हुए 50 ऑन ईच साइड, और मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशंस निकाल पाऊँ, मिनिमम 6 और मैक्सिमम जितना जाए। और मैं इसमें अभी स्ट्रैप्स के यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे फोरआर्म थोड़े थक गए इतना पुलअप और बेंट ओवरिंग करने के बाद, तो देखते हैं कितना जाता है, चाहे वेट कितना भी रहे फॉर्म टेक्निक और रिपीटेशन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सो टोटल 8 रिपीटेशंस है, और अगर आप इस स्टेप्स का यूज़ नहीं करते हो बैक करते हो तो यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। स्टेप्स का यूज़ कीजिए, खासकर लैट पुट डाउन, बेंड ओवर रोइंग, टर्न ओवर रोइंग, इन सब एक्सरसाइज के लिए जिसमें आप थोड़ा हेवी जाते हो। बाकी जो सिंगल आर्म रोइंग वगैरह सीटेड उसमें तो ऐसे भी जरूरत नहीं होगी, वो माइंड मसल कनेक्शन का ज़्यादा खेल रहता है, रिपीटेशन पर ज़्यादा ही रहते हैं, तो डोंट फॉरगेट योर स्ट्रैप्स। और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं, 200-250-300 में आराम से अच्छे स्ट्रैप्स मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन। मेरे बैक की वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज सीटेड रोइंग, और चाहे डबल हो या फिर सिंगल हैंड, दोनों के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है करने में, और अगर आपको दोनों हाथों से मसल माइंड कनेक्शन नहीं मिल रहा तो आप सिंगल ट्राई करो, इसके साथ आपको ज़रूर मिलेगा, और आपको इतना डिस्टेंस पर रहता है ये कि आपका हाथ स्ट्रेच हो पूरा, हाथ और बैक दोनों, इन आपको लेके आना है और अपने पेट के पास लेके आना है, और बैक को बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना, यहाँ लेके आना है और बस यहाँ पे बैक को आर्च करते हुए पूरा स्क्वीज, 15-20 रिपीटेशंस प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन के साथ।
आपके बैक में जो पंप आएगा किसी बात है वो आपको बैक के किसी एक्सरसाइज में आने वाला है। सो मैं बाइसेप की सिर्फ दो एक्सरसाइज करता हूँ, एक बारबेल कर और एक हैमर। बाइसेप की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, मैंने लोगों को देखा है कि एक एक घंटे तक एक्सरसाइज करते बाइसेप्स की 6-7 एक्सरसाइज, बट बाइसेप बहुत छोटे मसल है, थोड़े से एक्सरसाइज में एक या दो में इन्हें अच्छा स्टिमुलस मिल जाता है। बट अगर आपको इन्हें ग्रो करना है तो मेक श्योर कि जितनी रिपीटेशंस पिछले बार आपने लगाई थी उससे ज़्यादा आप लगाओ, क्योंकि मसल ग्रोथ करने का सिंपल सा लॉजिक प्रोग्रेसिव हो रहा है। अगर पिछले बार आपने जितने लगाए थे रिपीटेशंस अगर उससे ज़्यादा नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली ग्रोथ नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज लगा लो। सिर्फ दो एक्सरसाइज बहुत बाइसेप्स की है। और मैंने बहुत सारे लोगों देखा है कि बाइसेप्स कर्ल करते हो जब वो ऊपर लेके आते हैं बार को तो यहाँ पे रिस्ट को अपने मोड़ते हैं, जो कि बहुत गलत है, वो मत कीजिए, रिस्ट में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज का वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में सेम अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ और कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।